हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी मैं आपका अपना दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मैं जानता हूं कि मुझे आखिरी यूनिट की वीडियो अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है वो जस्ट बिकॉज कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं एग्ज़ाम से बस अभी फ्री हुआ हूँ और उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं जानता हूँ कि आप सबका सिलेबस काफ़ी डिले हो गया है मेरी एंड से उसके लिए आई एम सो सॉरी सो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आखिरी यूनिट जो है स्पेशल कंक्रीट स्पेशल कंक्रीट इससे पहले हम हमारी चार यूनिट्स पढ़ चुके हैं जिसमें से पहली यूनिट थी इंट्रोडक्शन मतलब जिसमें आपको सब सीमेंट सैंड एग्रीगेट के बारे में बताया था मटेरियल्स का बताया था फिर हमने कंक्रीट के बारे में पढ़ा था कंक्रीट क्या होते हैं उसके टाइप्स उसके सब कुछ पढ़ा था हमने फिर हमने एडमिक्सचर्स पढ़े थे कि एडमिक्सचर्स क्या होते हैं फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन पढ़ा था कि अगर हमने कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना हो तो कैसे करते हैं और अब हम आखिरी यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल कॉन्क्रीट ठीक है जी तो देखिए हम शुरू करते हैं स्पेशल कंक्रीट के बारे में यहाँ मैंने कुछ एक बुलेट पॉइंट्स में आपके लिए लिखा हुआ ताकि आपको पढ़ना भी आसान हो जाए और आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए क्योंकि जितना हम बुलेट पॉइंट्स में याद रखेंगे जितना हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे हमारे लिए याद करना और समझना उतना ही आसान होगा और आपके लिए एग्जाम्स में ये उतनी अच्छी होगी क्योंकि देखिए बींग स्टूडेंट मुझे भी पता है कि पैराग्राफ लिखना कितना मुश्किल है हम पॉइंट्स ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं तो इसलिए मेरी कोशिश रही है कि जितने हो सके मैं उतने बुलेट पॉइंट्स में लिखूं देखिए ज़्यादा नहीं है छोटे से ही है एक पेज ये एक पेज ये और एक आधा पेज ये बस इसके बाद हमारा ये ख़त्म तो देखिए हम शुरू करते हैं स्पेशल कॉन्क्रीट के बारे में आ, शायद इसके दो लेक्चर लगे स्पेशल कॉन्क्रीट के न में भी दो लेक्चर लगे अगर हुआ तो मैं एक में ही कर दूंगा वरना दो लेक्चर रहेंगे बीस बीस मिनट के इंटरवल पे ओके सो आइए हम शुरू करते हैं स्पेशल कंक्रीट तो देखिए दोस्तों हम स्पेशल कॉन्क्रीट के बारे में क्यों पढ़ते हैं मैंने आप सबको जब हम एडमिक्सचर्स पढ़ रहे थे मैंने तब आपको बताया था कि कुछ एक स्पेशल टाइप के कॉन्क्रीट होते हैं जिसमें हम एडमिक्सर्स यूज़ करते हैं एडमिक्सर्स मैंने आपको बताया था हम क्यों यूज़ करते हैं आप चलो रिकॉल करो सारा जो जो आपने पढ़ा है क्योंकि अब आप आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं जनवरी मिड में आई थिंक सो कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके हिसाब से आप रिकॉल करना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ ठीक है जी एडमिक्सचर्स एडमिक्सर्स के बारे में हमने पढ़ा था क्या होते हैं कि अगर हम उसको किसी भी चीज़ के अंदर डालें तो उससे क्या हो उसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाए है ना प्रॉपर्टी एनहांस होगी प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए हमने क्या करा उसके अंदर एडमिक्सर्स डाल दिए तो अब देखिए अगर हमने उसकी प्रॉपर्टी को एनहांस किया तो हमने किया क्यों ताकि उसके अंदर जो कमियाँ हैं हम उसको ख़त्म कर सकें अब उसकी कमियों को ख़त्म करने के लिए हमने उसमें एडमिक्सर्स डाले अब उस एडमिक्सर से क्या हो जो कॉन्क्रीट बना इसमें से कुछ एक स्पेशल टाइप के कंक्रीट बन गए स्पेशल यानी कि कुछ नए अनोखे अनोखे कंक्रीट बन गए फॉर एग्जांपल छः क्लास के छः बच्चों की क्लास है छः क्लास में टीचर ने चार बच्चों पर अच्छा ध्यान दिया उन चार में से कोई एक यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया वो क्या हुआ स्पेशल हो गया ना तो इसलिए एक आता है स्पेशल कॉन्क्रीट जो बहुत ही ज़्यादा हटके के होते हैं मतलब मेनली आपके सिलेबस में चार दे रखे हैं हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट फाइबर इनफोर्स कॉन्क्रीट फेरोसीमेंट और आरएमसी। आर आज के टाइम में बहुत ही वाइडली यूज होने वाला टॉपिक है और आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि क्या होता है बाकी इसकी मैं शायद कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में बना सकूँ एक फुल फ्लेज यानी कि आपके प्रॉपर रिविजन की पंद्रह या बीस मिनट की बने जिसमें आपका क्या हो पूरा की कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने नोट्स मैंने लिखे हुए हैं अपने पास चाहे वो डिज़ाइन के हैं चाहे किसी उसके हैं प्रॉपर पाँच यूनिट्स के मैं कोशिश करूँगा कि एक बनाकर अपलोड कर दूँ ताकि उसके लिए आपको भी इन द मीन टाइम आपके लिए आसान हो जाए उसको रिवाइज करना बाकी आप अपने एंड पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से आपने डिज़ाइन के प्रैक्टिस के क्वेश्चंस किए होंगे और मुझे पता है कि एक डिज़ाइन की वीडियो रह रही है अपलोड करनी है कि जो लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको क्वेश्चन के लिए दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा अगर नहीं किया जल्दी जाओ पिछली वीडियो देखो पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर इस वीडियो पर आना फिर उसके बाद ही इसको पढ़ना ये एक शर्त है मेरी इसके लिए ओके okay? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से ओके okay? तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला कॉन्क्रीट स्पेशल कॉन्क्रीट तो देखिए दोस्तों हमें स्पेशल कॉन्क्रीट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि ताकि जो क्या है हमारे लिए जहाँ की कमी है हम उसे पूरा कर सकें कमी कैसे पूरा कर सकें जैसे कि आपने अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करनी है अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए अब आपको पता है क्या पता है आपको कि अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में आपको पता है कि फ्लोरोसेंस की दिक्कत आती है आपने फ्लोरोसेंस को हटाने के लिए एडमिक्सचर डाला आपने उसमें तो फिर कुछ और एक चेंजेस करे उन चेंजेस की वजह से क्या हुआ आपके पास एक नई तरह का कॉन्क्रीट आया बन के है ना तो उसको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्क्रीट एक तरह का जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर तो देखिए हम शुरू करते हैं आ, सबसे पहला कॉन्क्रीट जो है हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट जैसे इसका नाम बता रहा है मैंने आपका सबसे पहले क्या काम बता रखा है मेरे लेक्चर में आने से पहले आपका एक काम है अपने सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए पिछला पूरा पढ़िए कुछ दिक्कत आती है आ, आप इसको कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दीजिए उम्मीद रहती है कि आंसर मिल जाता होगा वैसे मेरी कोशिश है कि आपको जितना हो सके आप उतना समझ जाएं आसान तरीके से ओके तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहला हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट नाम बता रहा है क्या है तीन अक्षर से बना हुआ है तीन अक्षर कौन कौन से हाई स्ट्रेंथ और कॉन्क्रीट चलो अब अब ये काम आप सबका है आप मुझे इन तीनों अक्षरों का मतलब बताइए क्या होता है हाई का मतलब क्या स्ट्रेंथ का मतलब क्या और कॉन्क्रीट का मतलब क्या चलो सोचो कॉन्क्रीट मैंने आप सबको बताया क्या होता है स्ट्रेंथ आप सबको पता है क्या होती है हाई का मतलब आपको पता है क्या होता है चलो दो में आ, मैं आपके लिए तीस तक गिन रहा हूँ मुझे बताओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन और हाँ इसको स्किप करने गलती मत करना कभी तुम आगे टेन सेकेंड्स पे इसको स्किप कर दो ट्वेंटी पे स्किप कर दो नहीं सोचो पहले अपने आप कहाँ तो तक हो गया मैं थर्टीन तक कि फिफ्टीन तक थर्टीन 14, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी सो आई होप कि आपने सोच लिया होगा हाई का मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि उसके अंदर अपने आप पे लोड रेजिस्ट करने की कितनी क्षमता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है एक हमारा प्रॉपर मिक्सचर किस चीज़ का सीमेंट सैंड एग्रीगेट एड मिक्सचर एंड वाटर ओके आई होप कि आप सबने यही सोचा और नहीं सोचा हुआ तो पिछला जाओ और अपने नोट्स खोलो रिवाइज करो साथ के साथ तो देखिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मैंने आपको बता दिया क्या होता है तो देखिए हमें इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी आप कहेंगे कि यार इसको बनाने की ज़रूरत क्या है मेरे लिए मैं क्यों बनाऊँ इसको मेरी मर्ज़ी में बनाऊँ ना बनाऊँ मेरा क्या ज़्यादा क्यों सोचोगे नहीं सब तो देखिए हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हम क्यों बनाते हैं आप सब ने एक जनरल कॉन्क्रीट पढ़ा है जिसमें आपने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा है एम टेन एम फिफ्टीन एम ट्वेंटी सोन ग्रेड्स आपने पढ़े हैं तो देखिए जब आप एक जनरल कंक्रीट का डिज़ाइन करते हैं आप क्या करते हैं उस जनरल कंक्रीट में जनरल कंक्रीट हम बनाते हैं कहाँ तक बनाते हैं एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी फाइव एम थर्टी तक हद से हद उसके आगे नहीं बनाते हम है ना तो वो क्या हो गया हमारा एक जनरल हो गया मतलब आपने उसमें कुछ नहीं करा सिंपल है अब उसके बाद आते हैं जब हमारे ग्रेड जो एम थर्टी फाइव से ऊपर चले जाए उन सबको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट होता कुछ नहीं है सिंपल एग्रीगेटी है सिंपल सीमेंट है सिंपल कॉन्क्रीट है नथिंग टोटली सेम ओके तो जब भी हमारे ग्रेड सपोज आपने एम थर्टी फाइव पॉइंट फाइव बना दिया चाहे तो वो क्या हुआ एक तरह का हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हो गया ओके नेक्स्ट इसमें मैंने क्या लिखा हुआ अब हम इसको पढ़ते हैं जो ये लिखी हुई राम कहानी इतनी बड़ी वेन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज बाई एम थर्टी फाइव देन इट इज हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ये मैंने आपको बताया एम थर्टी फाइव से नीचे नॉर्मल कॉन्क्रीट एम थर्टी फाइव से ऊपर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट जैसे कि सपोज आप सब एक पी एच वैल्यू लेके चलते हैं सेवन की कि अगर सात से ऊपर हुआ तो बेसिक सात से नीचे हुआ तो क्या हुआ एसिडिक है ना तो ऐसे ही क्या करो एम थर्टी फाइव ले लो थर्टी फाइव से ऊपर हाई स्ट्रेंथ थर्टी फाइव से नीचे नॉर्मल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट ओके नेक्स्ट अब इसमें मैंने और क्या लिखा इट इज डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस एच एस सी मतलब हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट विथ कन्वेंशनल मटीरियल लाइक सीमेंट सैंड एग्रीगेट सो इट कैन बी अचीव्ड बाई यूजिंग केमिकल एंड मिनरल एडमिक्सचर्स अब देखो एडमिक्स आ गया मैंने आपको कहा था पिछला टॉपिक रिवाइज करो साथ के साथ एडमिक्सर्स के नाम याद रखो अब जैसे मैंने आपको बोला यहाँ एडमिक्सचर एडमिक्सर रिकॉल करने शुरू करो अपने दिमाग में कौन कौन से हैं कौन कौन से एक्सलेटर रिटार्डर्स एयर एंड ट्रेनिंग सल्फर रेजिस्टेंट और 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 याद करते चलो मैं क्यों याद कराऊँ सारे करो करो याद करो पेपर तुम्हारा है मेरा नहीं अभी ओके आ गए याद आप सबको अब इसके बाद हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के कुछ एक मेथड्स भी हैं जैसे कि सीडिंग रीवाइब्रेशन यूजिंग एड मिक्सचर और सल्फर इम्प्रेग्नेशन आपके लिए मैंने चार इंच को बुलेट पॉइंट्स में लिखा है अब इसको जो है आप अपने हिसाब से टॉपिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं टॉपिक्स में कैसे सब टॉपिक्स बुलेट पॉइंट्स पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे करके तो देखिए वेरियस मेथड्स में सबसे पहला आता है सीडिंग सीडिंग में क्या होता है इसमें हम एक स्मॉल क्वांटिटी जो ग्राउंड सीमेंट होती है उसको हम मिक्स करते हैं अब ग्राउंड सीमेंट क्या होता है बहुत ही पाउडर्ड सीमेंट ग्राउंड मतलब महीन पाउडर फॉर्म का सीमेंट ओके okay? उसको हम बोलते उसको जब हम फ्रेश कॉन्क्रीट मिक्स में ऐड करेंगे उसको हम बोलते हैं सीडिंग फिर आता है रिवाइब्रेशन रिवाइब्रेशन का मतलब क्या होता है अब आप सबको पता है कि जैसे कि ठंड में ठंडी में क्या होता है आप सब सुंगड़ते हो कोई कहेगा यार मैं तो फैलता हूँ सर्दियों में मोटा हो जाऊँगा और है ना नहीं जो हमारी बॉडी है थोड़ी सी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है जैसे कि देखिए ये मेरा हाथ दिख रहा है आपको आपको इस पर शायद ना दिख रहा हो मैं देखता हूँ हाँ आपको शायद ना दिखे बाजू पर ये जैसे हम इस पर स्क्रैच करते हैं ना ये हमें एक वाइट लाइन दिखती है वो क्यों हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है इसीलिए इसके अंदर क्या आती है थोड़ी सी श्रिंकेज आती है मैंने आपको श्रिंकेज पहले भी पढ़ाई है डिफेक्ट्स इन कॉन्क्रीट के अंदर याद करो प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होती है प्लास्टिक <coughs> श्रिंकेज हमने देख ली कि प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होती है अब उस प्लास्टिक श्रिंकेज को रोकने के लिए हमने क्या करा हमने इसके अंदर रिवाइब्रेशन करी एक बार वाइब्रेशन कर दी उसके बाद उसके अंदर दोबारा वाइब्रेशन करी ताकि क्या हो जो उसके अंदर श्रृंक जाएगी वो खत्म हो जाए सारी ओके फिर आता है यूजिंग एडमिक्सचर अब एडमिक्सर देखो आप कोई भी यूज़ करो आपके ऊपर है आप सब जानते हो आप महाज्ञानी हो परम ज्ञानी हो आनंद ज्ञानी हो आप अपार ज्ञानी हो है ना जब आप डिज़ाइन मिक्स करेंगे तो देखिए अब आपने एडमिक्सचर इसमें कौन सा ऐड करना है जैसे कि मैंने आपके हिंट के लिए लिखा हुआ है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम क्या होगा अब इसमें आप कहेंगे कि आपने वाटर रिड्यूसिंग एजेंट डाला जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सब ने सब्ज़ी बनाई होगी घर पे जब भी टमाटर या प्याज को हम आ, तेल के अंदर फ्राई करते हैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डालते हैं क्यों सोचा कभी ताकि उसका पानी ख़त्म हो सके सारा क्योंकि जो प्याज और टमाटर है उसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है जो मीन्स ग्रेवी तैयार करते वक्त आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम उसमें डालते हैं नमक है ना अब ऐसे ही क्या है जो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है अब ये भी इसके अंदर से क्या करेंगे पानी की मात्रा को कम करेंगे जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती रहेगी पानी की मात्रा कम होती गई होती गई हमने क्या करा हमने देख लिया कि पानी की मात्रा एक अमाउंट तक तो कम होगी तो उसमें क्या हुआ उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी वाटर सीमेंट रेशियो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश अभी आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे मैं कमेंट्स में पढ़ूंगा इसका आंसर क्या है ओके okay? फिर इसका एग्जांपल आता है क्या हाई राइज बिल्डिंग जैसे कि दुबई में और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की इन सब में क्या है एक तरह की हाई राइज बिल्डिंग इसमें हम क्या करते हैं हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट का यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं करते भी हैं जो मेनली मुझे दिखा एग्जाम्पल के तौर पर वो हाई राइज बिल्डिंग ही था हाई राइज बिल्डिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं वो डिपेंड करता है नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट सेल्फ कॉम्पैक्ट सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट क्या होता है अब देखिए नाम बता रहा है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट सोचो दोबारा मैं दोबारा तीस तक गिनता हूँ गिनो सोचो सेल्फ का मतलब क्या है कॉम्पैक्टिंग का मतलब क्या है और कॉन्क्रीट का मतलब क्या है वन टू थ्री मैं दोबारा कर रहा हूँ स्किप मत करना आगे दस बीस सेकेंड पे। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्फ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी दस सेकेंड रह गए जल्दी सोचो ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी सोच लिया अब देखो सेल्फ का मतलब होता है अपने आप कॉम्पैक्टिंग का मतलब होता है दबना कंक्रीट आप सबको पता है क्या होता है अब देखिए नाम बताते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का मतलब क्या होता है जो कंक्रीट मिक्सचर अपने आप अपने वेट की वजह से दब जाए उसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट सेल्फ या सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट अब आप सबने देखा होगा कि हम वाइब्रेशन करते हैं वाइब्रेशन <coughs> कहा जब फ्रेश कंक्रीट मिक्स आता है उसमें हमने वाइब्रेशन दी वाइब्रेशन देने की वजह से क्या होता है एक तो उसमें से एयर की एक्सपल्शन होती है वाटर की एक्सपल्शन होती है जो एक्सेस वाटर होती है मेनली हम उसमें एयर एक्सपल्शन करते हैं तो देखिए सेल्फ को हम क्या करते हैं उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं उसका साइज कम करने की कोशिश कर रहे हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग में सो so, इसको हम लोग सेल्फ़ कॉम्पैक्टिंग को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम वाइब्रेशन ना दे सकें जैसे कि अंडरग्राउंड अब यार मुझे एक बात होता तुम जमीन के नीचे क्या जैसे आ, कौन से कार्टून में होता था वो डोरेमोन वाले कार्टून में नहीं था उसके पास एक चूहा होता था माउस जो क्या करते थे ज़मीन के नीचे जाता था हम उसमें जा सकते थे हम वैसा तो कर नहीं सकते ना अभी तक वैसी टेक्नोलॉजी आई है तो हम क्या करते हैं हम जमीन के अंदर तो जान सकते हैं कॉम्पैक्शन के लिए हम क्या करते हैं हम वैसा कॉन्क्रीट मिक्स बनाते हैं जो क्या हो अपने आप अपने वेट की वजह से दब जाए ठीक है उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कॉन्क्रीट आई होप कि आपको ये समझ गया हो कि मोटी मोटी ये चीज़ क्या होती है अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें डिफाइन एज फ्रेश कॉन्क्रीट दैट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट एंड डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वाइब्रेशन टू अंडर गो कॉम्पैक्शन देखिए वही चीज़ें जो मैंने आपको लिख कर बताई है जो मैंने आपको मुँह जबानी समझाई है वही है दूसरा योज वन देर इज डिफिकल्टू तो वाइब्रेशन फॉर कंसॉलिडेशन ऑफ कॉन्क्रीट अब देखो आपके लिए एक नई टर्म आ गई इसमें कंसॉलिडेशन बाकी तो आप समझ गए अब ये कंसॉलिडेशन जो मेन टर्म हम पढ़ते हैं ये हम इसको जियोटेक में पढ़ते हैं या सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इसमें क्या होता है देखिए सॉयल मैकेनिक्स में दो टर्म्स आती हैं मेनली जो आप पूरे सॉयल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे डाट से ये बात क्या आएगी कॉम्पैक्शन इसकी होगी कंसोलिडेशन इसकी होगी घर टूट गया कॉम्पैक्शन की वजह टूटा कंसोलिडेशन की वजह से वो पढ़ेंगे घर के जो सॉयल सेटलमेंट होगी वो किस वजह से हुई आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिए कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन क्या होती है सो यू सी मैं आपको बताता हूँ दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो स्केच स्केचपेन के साथ हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है तो समझ लेना भावनाओं को समझना राइटिंग पर मत जाना मेरी कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है देखिए अब दो टर्म्स आती है कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, आई होप कि आपको पता होगा कि मिट्टी के अंदर जो है हवा और पानी दोनों होती है है ना ये देखिए जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ये पानी है ठीक है दिखे आपको है? अब आप देख रहे होंगे इन दोनों में फर्क है इन दोनों डायग्राम्स में क्या क्या फर्क है इसमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा दिख रही है इसमें पानी की मात्रा आपको कम दिख रही है और बीच में काले काले से गोले बना रखे मैंने ये क्या है है सॉलिड्स ठीक तो देखिए इसमें होता क्या अब मेन जो हम देखते हैं इसमें होता है ये कि आप जो है मिट्टी आई ये आपका ग्राउंड लेवल है? है ना अब आपने क्या करा आपने घर बनाया इस पर घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं मिट्टी पर रोलर चलाते हैं रोलर देखा होगा अब आप सबने क्या होता है वो एक ड्रम लगा होता है ड्रम सड़क के ऊपर बार बार घूम रहा होता है क्यों ताकि इसके अंदर से क्या हो हवा बाहर निकल सके मिट्टी में से अब ये जो खाली जगह है सारी हवा की है। अब आपने इसके ऊपर रोलर चलाया अरे हवा क्या बाहर निकल गई सारी हवा से क्या हुआ इसका साइज कॉम्पैक्ट हो गया इसको बोलते हैं हम कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्शन मतलब एक्सपल्शन ऑफ एयर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इज नोन एज कॉम्पैक्शन अब कंसोलिडेशन में क्या हुआ आई ए इसके बाद का प्रोसेस है इसमें आपने क्या करा अपने इसके ऊपर एक घर बना दिया अपना है ना घर बना दिया ये आप खड़े हैं इसमें अच्छे से स्माइली फेस के साथ आपने क्या देखा कि जो ये पानी है है ना ये पानी क्या है धीरे धीरे निकल रहा है इसमें से मिट्टी में से बाहर निकल रहा है जमीन पर धीरे धीरे करके पानी निकलेगा तो क्या होगा मिट्टी का साइज कम होगा मिट्टी का साइज़ कम होगा तो क्या होगा अभी जो आपका स्माइली फेस है ये क्या होगा टूट जाएगा मतलब आप थोड़े उदास हो जाओ कि आप देखोगे मेरा घर क्या हो रहा है सेटल हो रहा है घर की सेटलमेंट से क्या आप खुश हो गए कि वाह 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 मेरा घर सेटल हो रहा है मैं तो बड़ा खुश हूँ नहीं ना तो वो कंसोलिडेशन होती है कंसोलिडेशन हमारी क्या होती है द एक्सपल्शन ऑफ वाटर वन टाइम टेक्स इज नोन एज कंसोलिडेशन मतलब कि इंग्लिश में जो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी याद नहीं है पर होता है यही है कंसोलिडेशन क्या होती है मतलब कि जब पानी बाहर निकलेगा उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन कंपैक्शन के बाद होती है जब लोड लगता है और ये धीरे धीरे करके निकलता है हमें पता भी नहीं लगता है इसका तभी आपने देखा हो कि कई बार क्या होता है जो घर होता है ना कई बार बीच में से सेटल हो जाता है पूरा टाइल जो लगी होती है या फर्श होता है वो बीच में से टूट जाता है बिल्कुल खोखला हो जाता है बीच में से किस वजह से होता है वो इसी वजह से ओके सो आई होप कि आपको ये समझ गया हो सो so, इसमें जो हम मटेरियल्स का यूज़ करेंगे होंगे तो वही सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर एड मिक्सचर सब वही है सीमेंट इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं बस आपके वो क्या है सीमेंट हम इसमें ओ का यूज़ करेंगे फोर्टी थ्री से फिफ्टी थ्री ग्रेड का अब फोर्टी थ्री फिफ्टी थ्री क्या होता है सोचो फोर्टी थ्री मेगा पास्कल फिफ्टी थ्री मेगा पास्कल फोटी थ्री स्ट्रेंथ फिफ्टी थ्री स्ट्रेंथ ओके एग्रीगेट हम कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का यूज़ करेंगे कोर्स एग्रीगेट बोले तो बजरी फाइन एग्रीगेट बोले तो रहता कोर्स एग्रीगेट कौन सा होता है दस से बारह एम एम का फाइन एग्रीगेट एम सैंड मतलब मीडियम सैंड अभी जो मीडियम सैंड आती है ये भी हम जियोटेक में पढ़ते हैं ये एज़ पर इंडियन सॉल्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आती है ये आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल एम सैंड का मतलब मीडियम सैंड ही है मीडियम सैंड साइज क्या रहता है इसका जीरो पॉइंट वन टू फाइव mm। एम एम वाटर नॉर्मल रेंज जो मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई है एडमिक्सचर ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्टफनेस स्लैग फ्लाई एश सिलिका फ्यूम और स्टोन पाउडर ओके फिर हम इसमें टेस्ट डन कौन से करते हैं मेनली इसमें होता है एक स्लम्प टेस्ट होता है क्योंकि हमने वर्केबिलिटी चेक होती है वर्केबिलिटी चेक होगी वर्केबिलिटी मतलब पानी की मात्रा देखेंगे कॉम्पैक्शन देखेंगे फिर इसमें एक फिलिंग एबिलिटी का टेस्ट आता है एक पासिंग एबिलिटी का टेस्ट आता है और एक सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस आती है अब देखो सेग्रीगेशन हम कैसे चेक करते हैं किसे चेक करते हैं सोचो जल्दी सोचो जल्दी 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 सोचो जल्दी टाइम नहीं आया जल्दी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अपने ऐसे ऐसे करके छुटकियों में याद दिलाओ स्लम्प टेस्ट पासिंग एबिलिटी मतलब कि वो कितना पास हो सकता है फिलिंग एबिलिटी मतलब वो कितना फिल कर सकता है ओके सो आई होप कि आज की वीडियो में इतनी रखूँगा इसके बाद में एक वीडियो का पार्ट और शूट करूंगा जिसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं दो पार्ट्स को और डिस्कस कर सकूँ जो है फाइबर जो है फेरोसीमेंट और एक आर एम सी रह गया ओके सो आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग बाय